ठंडी ठंडी हवा दे चुल दे अंबे दे डालू ओ चुल दे अंबे दे डालू ओ जीना मानसरे दा ओ जीना मानसरे दा चुल दे ठंडे ठंडे हवा दे चुल दे अंबे दे डालू ओ चुल दे अंबे दे डालू ओ जीना मानसरे दा ओ जीना मानसरे दा चुल दे ठंडे ठंडे हवा दे चुल दे अंबे दे डालू ओ चुल दे अंबे दे डालू ओ जीना मानसरे। वंदना दिल्ली से। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग, मैं अपने एनिवर्सरी के लिए आई थी यहाँ पे छुट्टी मनाने, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। 4 दिन का टूर था हमारा, ऊपर से लॉकडाउन के बाद आया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो वैष्णो देवी गए थे एनिवर्सरी के लिए, तो उनका दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ आए, तो काफ़ी अच्छा है, तो बहुत अच्छा लगा। मैं मुकेश कुमार फ्रॉम दिल्ली। यहाँ का खुद बहुत अच्छा नज़ारा है और मैं पहले भी आ रखा हूँ 2-3 बार और ये मेरा तीसरा ट्रिप है। और यहाँ के अद्भुत एक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये अपना मछली को दाना देना प्लस अच्छा बहुत पुराना पारंपरिक ये झील है। पहली बार जम्मू आया हूँ और अभी तो मुझे प्लान है कि मैं हर साल आऊँ। सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप मानसर लेक ज़रूर घूमें। पहाड़ियों के बीच ये लेक बहुत ही मन को भा जाता है और मछलियों के आनंद से तो पूरा लगता है कि हमने जो भी खर्च किए घूमने में वो सारे पैसे वसूल। मैं पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मैं आया था अपने बच्चों समेत। माता वैष्णो देवी का दर्शन किया और उसके बाद मैंने वहाँ से पूछा किसी से कि और यहाँ घूमने के लिए क्या क्या स्थान है। यह है कि ये जो मानसर लेक है, ये झील है, इस झील में मछलियों से और ज़्यादा सुंदरता बढ़ जाती है। बहुत अच्छा और बहुत ही एनर्जीदायक ये जगह है। हम अब मन कर रहा है, हमारा भी इच्छा है कि बार बार हम इस झील को देखने के लिए आएं। और आप भी हमारा न्यूज़ अगर देखेंगे तो आप भी ज़रूर इस झील को देखने के लिए आएं।